हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। जो एंगल हमारे पास होता है उसका जो मेजर होता है उसके ऊपर बेस्ड हम एंगल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हर एक को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल का जो मेजर होता है वो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से कम होता है। यानी एंगल का जो मेजर है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का होगा, तो उस एंगल को हम बोलेंगे अक्यूट एंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल। अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री है, ओके, एंगल का मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। अगर किसी एंगल का मेजर 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है, यानी एंगल का मेजर 90 और 180 डिग्री के बीच में है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। अगर किसी एंगल का मेजर है एग्जैक्ट 180 डिग्री तो उस एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। अगर किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, यानी जो एंगल का मेजर है वो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का है, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। अगर किसी एंगल का मेजर एग्जैक्ट 360 डिग्री है तो उस एंगल को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है अक्यूट एंगल, जिसमें एंगल का मेजर है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल में एंगल का मेजर है 90 डिग्री। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मेजर 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में एंगल का जो मेजर होता है वो होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में एंगल का मेजर होगा 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, यानी जो एंगल है वो 180 से 360 के बीच में होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में एंगल का मेजर होगा एग्जैक्ट 360 डिग्री। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स।